हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। बहुत समय से आप ये देख रहे हैं कि कहीं भी आपका सम्मान नहीं किया जा रहा। कहीं से भी मेरा मतलब है जहां पर वो लोग होते हैं जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। ये आपको रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, इसकी बहुत सारी वजह होती है, वो तो देखते हैं आज की रीडिंग में। लेकिन एक बात तो तय है, अब ये लोग बहुत शॉक हो चुके हैं, बहुत सरप्राइज हो चुके हैं कि आप जिन परिस्थितियों में से निकलकर जहां है वहां कैसे पहुंचे। पहले एक टाइम था जब ये आपका सम्मान नहीं करते थे, शायद अब भी यही दिखावा करते हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। दिखाना तो वो यही चाहते हैं, क्योंकि उनका आपसे जबरदस्त किसी भी बात को लेकर क्लैश होता है, जलन होती है। आपको ये हमेशा ऐसा ही देखना चाहते कि आप रिस्पेक्टफुली जिए ना, आपकी रिस्पेक्ट कोई ना करे, ये ऐसा देखना चाहते हैं। इसके इनके अपने जो होते हैं ना हिडन एजेंडा होते हैं इसके पीछे। ये लोग पापी होते हैं, इन्हें पता नहीं है कि किसी भी इंसान के साथ ऐसा करना, उसका सम्मान ना करना, पब्लिकली उसको ह्यूमिलिएट करना, ये सब बहुत ही गलत बातें हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज की रीडिंग में क्यों ये पर्सन से मेरा मतलब है काफी लोग इन्वॉल्व है, ये अकेले नहीं है, क्योंकि ये कोई भी किसी की शय के बिना आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, आपको बहुत दुख होता है, आपको बहुत तकलीफ होती है देखकर कि क्यों लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब रिसेंट पास्ट में आपके साथ कांस्टेंट ऐसा व्यवहार किया गया है कि जैसे आप में कोई काबिलियत नहीं है, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए। मतलब इस तरह का माहौल आपके लिए क्रिएट किया गया, और इसमें सबसे ज्यादा आपके अपने ही इन्वॉल्व होते हैं। जब वो ऐसा करते हैं ना, तभी दूसरे लोगों को शय मिलती है आपके साथ ऐसा करने के लिए। तो आपके जो अपने लोग हैं ना, वही आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप कोई सेंसिबल बात करें, कोई सेंसिबल डिसीजन ले, या कोई सेंसिबल मशवरा दे, तो आपको हंसी मजाक करके टाल दिया जाता है कि जैसे आपकी बात में कोई दम नहीं है। कॉन्स्टेंटली आपके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। आमतौर पे देखा जाता है या तो लोग मूर्ख के साथ ही ऐसा करते हैं, या उन लोगों के साथ ऐसा करते हैं जो बहुत ही लाजवाब पर्सन हो, और आप इस कैटेगरी में आते हैं। आप देखिए ये कार्ड, फॉलोइंग द इंजंक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर, प्योरिफिकेशन, रिस्पेक्टफुल, रेगुलेटेड, कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं आपकी पर्सनालिटी को जो डिफाइन कर रहे हैं। आपका ऊपर वाले में बेइंतहा फेथ है, बहुत ज्यादा विश्वास है। आप प्योर हैं इमोशनली, मेंटली बहुत ज्यादा प्योर पर्सन हैं। और जब आपने ये सब चीजों को फेस किया, तो एक पल ऐसा भी आया आपको लगा आप जैसे अपनी लाइफ को ही खत्म कर ले, ये दुनिया छोड़कर ही आप चले जाए, कुछ ऐसा ख्याल भी आपके दिल में बहुत बार आया। लेकिन बोलते हैं ना, जब आप बार बार इन चीजों को महसूस करते हैं, जब लोगों के ऐसे बिहेवियर को बार बार देखते हैं, इनको परखते हैं ऐसे लोगों को, तो आप उसमें से बहुत स्ट्रांग होकर बाहर आते हैं। और शायद आपको भी पता नहीं चला है कि आपका जो नेचर है, आपकी जो प्रतिभाएं हैं, ऐसे में और निखर कर बाहर आई है। आपका जो नेचर है चेंज हुआ है, लेकिन आपको शायद पता नहीं चला। आप इमोशनली स्ट्रांग हुए हैं, आपको अब धीरे धीरे आपकी जो थर्ड आई चक्र है, आपका जो फोर्थ चक्र है, हार्ट चक्र है, ये सब क्योर होने लगे हैं। पहले इन पर बहुत असर था, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग का कार्ड है, गार्डन एंड द गेट, बिल्कुल अकेला ये पर्सन, ऑल टाइड अप। किस तरह से आपने वो पल निकाले होंगे, कैसे आप उस माहौल में से गुजरे होंगे, लेकिन धीरे धीरे कुदरत ने आपको ये तो सिखा दिया, आपके एंसेस्टर्स ने आपको ये तो सिखा दिया इस सिचुएशन में कि कैसे लोग आपके लिए सही हैं और कैसे लोग गलत हैं। और आप धीरे धीरे इसमें से बहुत ही स्ट्रांग होकर बाहर निकले हैं, क्योंकि ऐसे बिहेवियर की वजह से या तो इंसान का ऊपर वाले से भरोसा खत्म हो जाता है, या तो फिर वो बहुत ज्यादा गहराई में स्पिरिचुअल हो जाता है। और आजकल आपकी बातें, आपकी जो बोलने की छटा, आपकी जो वाणी है, उसमें इस तरह का असर दिखता है आपके आसपास के लोगों को कि वो भौचक के रह गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपके अंदर ये बदलाव कैसे और कब आ गया। अब जब आप बोलते हैं तो उसमें सक्सेस की फीलिंग आती है। हो सकता है आपके पास अभी बहुत रुपया ना हो, बहुत अच्छा आपका करियर ना हो,
कई व्यूअर्स को तो ये सब मिला ही होगा। मैं उन व्यूअर्स की बात कर रही हूँ जिनके पास अभी शायद कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, लेकिन ये थपेड़ों ने, ये एक्सपीरियंसेस ने आपको इतना स्ट्रांग बना दिया है भीतर से। अब आपकी आवाज में वो दमखम है जो आपको भी परख नहीं है शायद उस बात की कि आप जब बोलते हैं तो ये लोग डर जाते हैं, क्योंकि आप पर ऊपर वाले का हाथ है, आप पर आपके रब का, आपके ईश्वर का, आपके खुदा का, आपके गुरु का, वाहेगुरु का हाथ है। तो आप में जो ये बदलाव आए हैं ना, इसे देखकर ये सारे लोग शॉक रह गए हैं। इनको ये लगता है कि इन्होंने अगर आपको इनसिक्योर करने की कोशिश की, आपका मजाक उड़ाने की कोशिश की, तो इससे उनको तो कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन ये सब थपेड़े खाते खाते आप कहीं ना कहीं बहुत ही निखर के बाहर आए हैं, इस बात का एहसास सबको होने लगा है। आपको भी होता ही होगा, अगर आपको नहीं होता है तो आपने देखा होगा इनका जो बिहेवियर है आपके साथ अब बदलने लगा है। ये थोड़ा आपकी बातों से सहम जाते हैं, आप कुछ कहते नहीं, आप कुछ डराते नहीं, कोई धमकाते नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपकी जो सोल है ना वो इतनी ज्यादा मैच्योर हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है, आपकी ऑरा में वो चीज झलकने लगती है। तो ये लोग अब आपकी ऑरा से डरने लगे हैं, आपकी ताकत से डरने लगे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को ये आभास हो रहा है जो आपके साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि आप पर किसी अनजानी शक्तियों का हाथ है, आपके पूर्वजों का आप पर हाथ है, आपके एंसेस्टर्स की आप पर ब्लेसिंग्स है। आपको कहना भी नहीं पड़ा और इनको समझ भी आ गया, इस तरह से आपके एंसेस्टर्स आपकी रक्षा करते हैं। क्योंकि आपके एंसेस्टर्स को दुख होता है ये देखकर कि जो उसका बंदा है वो तड़प रहा है, क्योंकि इंसान इंसान में भेद करने वाले लोग महापापी होते हैं, राक्षस होते हैं। अगर आपकी परिस्थितियां अच्छी नहीं थी या ठीक नहीं थी, आप थोड़ा डाउन थे लाइफ में, तो बजाय आपको सहारा देने के, आपको ऊपर उठाने के, इन लोगों ने आपका अपमान किया, आपको नीचा दिखाया। लेकिन उससे उनका तो ना कोई फायदा हुआ या नुकसान, जो भी नहीं हुआ हुआ, आपको बहुत बड़ा फायदा हो गया। अब उस फायदे को देखकर आपने जो कुछ भी इन चीजों से सीखा, इन परिस्थितियों से सीखा, उसने आपको ऐसा ताकतवर बना दिया है कि ये लोग आपकी बातों से डरने लगे हैं। आपकी बातों में एक ऐसी सच्चाई आ चुकी है कि आप जो बोलेंगे वो हो ही जाएगा। इस बात का शायद आपको भी पता नहीं है, क्योंकि जब ऊपर वाले का आप पर इतना ज्यादा ब्लेसिंग्स होती है तो आपकी वाणी में ऐसी सच्चाई आ जाती है कि अगर आप गुस्से में भी उसे कुछ कहेंगे ना, तो ऐसा मत कर, तैसा दे, तो ऐसा हो जाएगा, इस बात पे वो ट्रस्ट करने लगे हैं, क्योंकि आपकी आवाज में सच्चाई उन्हें महसूस होती है। तो आप में ये चेंजेस देखकर, आपकी इस तरह की सक्सेस देखकर ये लोग घबरा गए हैं, आपसे सहम गए हैं। अब उन्हें पता चल गया है कि कोई चीज है जो आपको शक्ति देती है, आपका सहारा है। आइए कुछ और यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं क्या आए हैं। डिपेंडेबल फ्रेंड अराउंड यू, आपके आसपास कोई आपका ऐसा दोस्त है जो डिपेंडेबल है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इन सब बुरे लोगों के बीच में कोई अच्छा आपका सहारा है, आपका दोस्त है, उसे पहचानिए। आई एम लॉयल टू यू ऑलवेज, आप देखिए, आई एम डिपेंडेबल, एक डिपेंडेबल फ्रेंड है आपके आसपास, और नेक्स्ट आता है आई एम लॉयल टू यू ऑलवेज। ये कहते हैं आप चाहे ऊपर है लाइफ में कि चाहे नीचे है, मैं तुम्हारा वफादार हूँ, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ और तुम्हारे ट्रस्ट पे हमेशा खरा उतरूंगा या उतरूंगी। 27-38 वेडनेसडे जनवरी आपके या इस पर्सन की लाइफ के इम्पोर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दे स्टील योर एनर्जीज थ्रू योर आईज, ये जो बुरे लोग हैं ना आपके आसपास, ये चाहे आपके कितने भी अपने हैं, ये आपकी आंखों के जरिए आपके ताकतों को चुराने की कोशिश करते हैं, ये आपको जितना भी लेट डाउन करे, क्योंकि ये बुरे लोग होते हैं। जब ये देखते हैं ना कोई उनसे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, क्लेवर हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, तो जानबूझ के उसकी बातों को काट के, उसको कुछ ना समझकर इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि वो इंसान कमजोर पड़ जाए, ताकि वो उसकी एनर्जीज को चुरा सके। पर आप, जैसे मैंने कहा, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यू आर अंडर डिवाइन ब्लेसिंग्स, यू आर गोइंग टू ब्रेक रिकॉर्ड्स। आप कुछ ऐसा ऑलरेडी कर ही रहे हैं या आगे जाके करेंगे कि आपके खानदान में किसी ने पुश्तों में किसी ने ये सब नहीं किया होगा, आप ऐसा कुछ महान काम करेंगे बहुत जल्द। कोई रिकॉर्ड आप तोड़ेंगे, चाहे दुनिया का नहीं लेकिन अपनी फैमिली का तो जरूर तोड़ेंगे। यू चूज बट गॉड डिसाइड्स, कई बार आपने सोचा होगा कि आप जैसा प्लान करते हैं, जो आप चाहते डिसीजन लेना, उसमें रुकावटें क्यों आती हैं? क्योंकि गॉड चाहते हैं, आपके जो परमात्मा है वो चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा ही हो। हो सकता है जो आप सोचते हैं आपके लिए अच्छा है, आपके भगवान की नजर में वो अच्छा नहीं है, इसलिए वो आपके प्लान्स में कभी कभी
हिंड्रेंस लाते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम्स लाते हैं, इसलिए नहीं कि आपको परेशान करना चाहते हैं, इसलिए कि आपकी बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। तो उस पर ट्रस्ट कीजिए। लव योर सेल्फ, यू आर स्पेशल। खुद से बहुत प्यार कीजिए। 3-9 मंडे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस हैं। इस परिस्थिति में, ऐसी जो स्थितियां आपकी लाइफ में जहां लोग आपके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो आपका टूटना बनता है, आप टूट जाते हैं। लेकिन आपने टूटने के बाद हार नहीं मानी, आपने कमबैक किया, आपने इन लोगों को दिखाया है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए, आपने ये दिखाया है कि आप में कितना ज्यादा पोटेंशियल है, और उस चीज से ये लोग डर गए हैं। और आपको आपके ईश्वर या आपके एंसेस्टर्स या यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप से प्यार कीजिए, आप कोई मामूली इंसान नहीं है। लोग आपको चाहे जितना मामूली बताने की कोशिश करें, उन्हें भी पता है आप मामूली नहीं है। पुरानी यादों का वास्ता वापस आ जाओ। किसी का आपके लिए मैसेज है कि आप शायद उनसे किसी वजह से दूर हो गए थे, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप उसकी लाइफ में, आप उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं। वो बदलने का नाटक कर रहे हैं। कोई पर्सन है आपके आसपास जो आजकल बहुत अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि आपकी बढ़ती शक्तियों को देखकर शायद वो भी डर रहे हैं, उनको आभास हो रहा है कि आप मामूली इंसान नहीं है। तो वो तक साधु है, अपॉर्चुनिस्ट है, अब आपकी बदलती एक लहजे को देखकर वो बदलने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन ये लोग कभी सुधरते नहीं है। आपके लिए मैसेज है, इनकी बातों में नहीं आना, इनको अपने से दूर ही रखना जैसे पहले रखा था। आपके थर्ड आई चक्र को अटैक किया गया है, वो तो ऑलरेडी आपके कार्ड्स में आया था। थर्ड आई चक्र को अटैक किया गया है, आपको लेट डाउन कर करके, आपको ऐसा दिखा के जैसे आप रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, ऐसा कर करके आपको तोड़ा जाता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, कुदरत आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है। बुरे लोग जल्दी ही आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। जब आप बदलते हैं, ये लोग खुद ब खुद आपसे दूर हो जाते हैं, या आपके सामने झुक जाते हैं, या फिर आपसे दूर हो जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में आपकी ही जीत होने वाली है। इस बुरे बंधन से आजादी मिलेगी। कोई आपका ऐसा रिलेशनशिप है, किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपके कोई कलीग वर्क प्लेस पे, स्कूल में, आपकी स्टडी इंस्टीट्यूट में, कहीं भी कोई ऐसा रिलेशन है जिससे आपको आजादी मिल जाएगी, क्योंकि आप बहुत टाइम से इसे मैनिफेस्ट कर रहे थे। योर नेबर्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू। आपके पड़ोसी आपके बारे में गॉसिप करते हैं। उसकी बहुत सारी वजहें हो सकती है, जरूरी वो नेगेटिव गॉसिप करते हो, लेकिन जो आपके साथ व्यवहार किया जाता है या आपके बारे में उनको फीडबैक दिया जाता है, उसके बेस पे वो ये जरूर बोलते होंगे कि आप तो इतने काबिल इंसान है, रिस्पेक्ट के काबिल है, फिर आपके साथ लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। शायद इस पर भी गॉसिप होने के चांसेस है। वो आपको जितना भी बहलाए, उनकी बातों में मत आना। वंस अ थीफ ऑलवेज अ थीफ। कोई है जो आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में वापस एंटर होना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए फिर से ये मैसेज रिपीट हुआ है, आप उनको अपनी लाइफ में बिल्कुल घुसने मत देना, ये उस लायक है ही नहीं। योर ओपोनेंट्स आर अफ्रेड ऑफ योर सक्सेस। इसी टॉपिक पे रीडिंग भी थी कि आपके हेटर्स, विरोधी, जो आपका अपमान करते हैं, जो आपको जानबूझ के कुछ नहीं गिनते, एक्चुअली उनका दिल तो जानता है आप उनसे बहुत सुपीरियर हैं, अब ये आपकी सक्सेस से डरने लगे हैं, आपके शब्दों से, आपकी वाणी से, आपकी ऑरा से, आपके हाई वाइब्रेशन से, आपकी एनर्जी से बहुत ज्यादा डरने लगे हैं। 9:30-41 आपकी या इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कोई उनको, इनको ये कहता है कि आप ही गलत थे, ये नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता फिर बने। कोई पर्सन है जो आपको किसी और से भिड़ाकर रखते हैं, क्योंकि शायद उनकी कोई पोल उससे खुल जाएगी अगर आप दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, तो ये आप दोनों को दूर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनमें इनका ही कोई हिडन एजेंडा है। दे वॉन्ट यू टू बी अनहैप्पी बट यू आर अंडर डिवाइन ब्लेसिंग्स। कुछ लोग चाहते हैं आप ना खुश रहें, आपकी एनर्जीज खत्म हो जाए, आप कमजोर पड़ जाएं, लेकिन आप डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ हैं, आपके ऊपर बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग है, तो इनकी ये गंदी जो चाल है, ये कामयाब होगी ही नहीं। मंडे थर्सडे आपकी या इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस है। आस्क देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई है
या आपके आसपास कुछ लोग हैं जो सारी जिम्मेदारियां आप पर डाली है, पहले क्या करते हैं, आपको घर में स्केपगोट बनाते हैं, आपको ये फील कराते हैं आप किसी लायक नहीं है, और फिर आप पे इतनी जिम्मेदारियां डालते हैं कि आप चुपचाप वो करते रहे गिल्ट में आकर। लेकिन इनको अब वक्त आ गया है कि आप आईना दिखाएं, आप इन्हें फील कराएं कि आप जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे, बाकी सब के लिए ये खुद जिम्मेदार रहेंगे। लोगों की फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको उठाकर नहीं चलना है। आपके विरोधियों को पैसे की तंगी हो रही है, होनी ही चाहिए। आपके जो विरोधी है, जिन्होंने आपके साथ भेदभाव किया है, आपको लेट डाउन किया है, आज इनको पैसे की जबरदस्त तंगी हो रही है। और सिर्फ पैसे की नहीं, इमोशनली भी ये परेशान है, लीगली भी परेशान है, हर तरह से परेशान है। योर मेड इज लेटिंग आउट सीक्रेट्स। आपके जो घर की मेड है ना, ये आपके घर की बातें आपके आसपास के लोगों को बताती फिरती है, तो आप जरा केयरफुल रहिए कि आप इनके सामने क्या बातें करते हैं और क्या नहीं। किसी को आपके विश्वास पर बहुत विश्वास है, कोई है, ये लॉयल फ्रेंड है जो आपके स्टार्टिंग में रीडिंग में आया था, कोई है जिन्हें आपके ऊपर अद्भुत भरोसा है, क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअलिटी है, आपका जो ईश्वर के प्रति झुकाव है, उसकी वजह से इस इंसान को चाहे ईश्वर में भरोसा ना हो, किसी पे भरोसा ना हो, लेकिन उसको आपके भरोसे पे बहुत भरोसा है। आइए फिर सिकात कार्ड और निकाल के रीडिंग को करते हैं कंप्लीट। ही शी इज मैनिफेस्टिंग यू। कोई है जो आपको हर हाल में अपने पास लाना चाहते हैं। सैटरडे 15:50-55 आपकी लाइफ के या इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस है, लेकिन इनका मैनिफेस्टेशन बहुत हद तक तब सक्सेसफुल होगा जब आप भी ऐसा चाहेंगे, वरना नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती फेल होगा, लेकिन बहुत लंबा टाइम उन्हें लग जाएगा आपको पाने में। मदर सिस्टर, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या मदर जैसी या सिस्टर जैसी, ऐसा कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ को, जिसने जन्नुम बनाया हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इनको कड़वा सबक मिलने ही वाला है। 38, 46, 64 मंडे आपकी लाइफ के या इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो फ्रेंड्स, रीडिंग होती है कम्प्लीट यहाँ पर, और आज का एफर्मेशन है, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं खुद की बहुत इज्जत करता हूँ या करती हूँ। कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस रीडिंग या छोटा सा यस, और आप देखेंगे कैसे पूरी कायनात आपको वो मुकाम दिलाने में लग जाएगी जिसकी आप चाह रखते हैं, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। आप में वो काबिलियत है, आप में वो स्पिरिचुअलिटी है, आप में वो ऑरा है, जो इन लोगों की बदबख्ती की वजह से ही शायद आप में निखर कर आई है। अगर ये शायद आपके साथ ऐसा ना करते तो शायद ये ऑरा निखरती नहीं। इनसे फाइट करते करते, इनसे जूझते जूझते आपने खुद को इतना निखार लिया है कि अब कोई आपको आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कौन है वो लोग जो आपका सम्मान नहीं करते, आपका अपमान करते थे, आपके साथ भेदभाव करते हैं, इनको जरूर मेंशन कीजिए, इससे इनकी एनर्जीज कमजोर पड़ेगी। और ये भी लिखिए कौन कौन सी बातें आपको रीडिंग में रिजोनेट हुई और आप कैसे कैसे इनसे भिड़ते हैं या भिड़ने वाले हैं। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।